सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। MH1 न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का जी आया नूं, मैं हां तुहाडे नाल हरकीरत सिंह आलूवालिया लैके हाजिर हाँ। 5 बजे पंजाब बुलेटिन की शुरुआत करांगे सुर्खियां दे नाल। पंजाब के खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल दिल्ली विखे GST काउंसिल की बैठक च होए शामिल, सेंटर से लगाए इल्जाम, जानबूझ के सूबियां नाल जुड़े मुद्दे टाल रही है सरकार। कोटपुरा दे विच श्रोमणी अकाली दल ने की पोल खोल रैली, पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल, विक्रम सिंह मजीठिया, बीबी जगीर कौर और सिकंदर सिंह मलूका ने किया संबोधित। विरोधी धिर के आगू सुखपाल सिंह खहरा ने चंडीगढ़ च की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गैर कानूनी माइनिंग को लेकर एक बार फिर राज सरकार से साध्या निशाना। लुधियाना च STF टीम नूं मिली वड्डी कामयाबी, पिछले 3 दिनों च करीब 1 किलो 750 ग्राम हेरोइन की बरामद, 5 आरोपी किए गए गिरफ्तार। तरन तारण के सरहदी इलाके पिंड नारली में नाकेबंदी दौरान पुलिस को मिली वड्डी कामयाबी, 1 लाख नशे की गोलियां समेत इंजैक्शन और कैप्सूल्स किए गए बरामद। अमृतसर रेलवे स्टेशन से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों ने किया प्रदर्शन, ट्रेनों च जनरल कोच के वधाने की की मांग। लुधियाना च तेज रफ्तार कार नहर च डिगी, हादसे च कार सवार 3 नौजवानों की मौत, विआह तो वापस आ रहे सन 3 नौजवान। हुण खबर विस्तार दे नाल, पंजाब यूनिवर्सिटी च अज तो 2 दिनी 6वीं विश्व पंजाबी कॉन्फ्रेंस का प्रबंध हो रहा है। पंजाब कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। इस पंजाबी कॉन्फ्रेंस च पंजाब की सिक्ख्या अर्थव्यवस्था के मुद्दों से चर्चा की गई। कॉन्फ्रेंस च सिद्धू के अलावा स्पीकर राणा KP सिंह, आर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन सुरजीत पात्र के अलावा पंजाबी लेखक और कवि भी शामिल हुए। इस मौके पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अगले 3 महीनों च पंजाब का कल्चर पार्लियामेंट बनाया जाएगा। उन्हें दसिया कि पंजाब सरकार ने आर्ट्स काउंसिल नूं कल्चरल पार्लियामेंट बनाने 3 करोड़ रुपए दिते हैं। जिधर दिल्ली अज कांग्रेस ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक होगी, पंजाब CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई च बैठक उसारी जाएगी। बैठक में 16 तो 18 मार्च तक चलने वाले कांग्रेस के सैशन नूं लैके चर्चा होगी। तो उधर दिल्ली के विज्ञान भवन च GST काउंसिल की 26वीं बैठक हुई है। बैठक में पंजाब के खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि एजेंडे में अजे कई मुद्दे हैं जिन्हां ते चर्चा होनी सी पर उन्हां ते चर्चा नहीं की गई, कई अहम मुद्दों नूं लैके अगली बैठक तक टाल दिता गया। इसके अलावा पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश सूबे का एक अहम मुद्दा सी जो अज हल हो गया, यह एक सही कदम है। तो आज एजेंडा जो है इतना तवील नहीं था, तफसील नहीं था, और दो तीन एक तो जो मुझे लगा इस बार कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इलेक्शन मोड में आ गई है। तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले मीटिंग में ये कहा था कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को और रियल एस्टेट को आप GST के दायरे में लाओ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का था, कुछ पिछली कमेटी में ये डिसाइड किया था कि GST का लॉ बदलेंगे, तो आज सारी चीजें जो हैं उनको पोस्टपोनमेंट दे दी है। जहां तक पंजाब का सवाल है, हमारा एक मेजर मुद्दा था वो आज रिजॉल्व हो गया। पंजाब और पंजाब का नहीं था, हरियाणा भी था, उत्तराखंड भी था, UP में था, वो हमारा जो एक्साइज है जिसको शराब के ठेके हैं, तो जब हम उनको ऑक्शन करते हैं तो उसको हम एक्साइज फी बोलते हैं। तो फी जो है वो उसमें टैक्स, सर्विस टैक्स 18% पे लगना था, तो आज फैसला यही किया कि इसको ये टैक्स होएगा, इस पर फी जो है नहीं लगेगी। तो उस बात पे मेरी तो संतुष्टि है, मैं मुतमईन हूँ उस बात पे। तो जब मनप्रीत बादल दिल्ली पहुंचे सके तो साढ़े सहयोगी आलोक सांगवान उत्थे मौजूद सके, जानने की कोशिश करते हैं। आलोक सांगवान की विस्तार के गल हुई सी उन्होंने नाल। आलोक, थोड़े तो जानना चाहवांगे कि कुछ गल्लां तुहाड़ियां होईयां और अज की टीचा सीगा उन्हों का दिल्ली आना, कदम जिहड़ा मनिया जाए पंजाब के लिए किन्ना कु लाजमी सीगा।
देखिए, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की 26वीं बैठक थी और 26वीं बैठक में तमाम राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको पहुंचना था और बतौर फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल पंजाब को लीड करने के लिए इस मीटिंग में शामिल हुए और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये मीटिंग कहीं ना कहीं कुछ मसलों को लेकर जो एक लंबे समय से एक मसला पेंडिंग था वो मसला आज की बैठक के अंदर सुलझ गया, जिसका सीधे तौर पर संबंध जो है पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से और यूपी से था, वो जो मसला है वो आज की बैठक के अंदर सुलझा है। मगर इसके साथ साथ उन्होंने एक बात को लेकर ये भी कहा कि कुछ ऐसे मसले थे जिनमें कहीं ना कहीं रियल स्टेट था, पेट्रोल डीजल था, उनको लेकर कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल ने अगली बैठक के लिए उन तमाम मसलों को टाल दिया है और ऐसे में ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार ऐसे मसलों को टाल कर ये चाहती है कि इन तमाम तरह की जो पेचीदगी है उनको आगे टाला जाए, क्योंकि सरकार लगता है कि इलेक्शन मोड में आ गई है और इसीलिए सरकार हाल में इनका फैसला नहीं करना चाहती है। जी आलोक, मनप्रीत बादल ए भी कहते हुए नजर आए कि कई अहम मसलों के उत्ते भी चर्चा होनी सी, लेकिन वो चर्चा नहीं हो पाई, तो जानना चाहवांगे किड़े किड़े चर्चा की गल कर रहे हैं, किड़े किड़े मसलों की गल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ ऐसे बिल थे जो आज के एजेंडे के अंदर कहीं ना कहीं जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी और मनप्रीत बादल ने साफ बताया कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल को लेकर ये कहा गया था कि अगली बैठक में चर्चा की जाएगी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए या ना लाया जाए, रियल स्टेट को जीएसटी के दायरे में लाया जाए या ना लाया जाए, इस तरह के जो तमाम एजेंडे थे उन पर आज चर्चा नहीं की और सरकार के द्वारा ये कहा गया, फाइनेंस मिनिस्टर ने उन तमाम मसलों को अगली बैठक के लिए टाल दिया और उसी को लेकर मनप्रीत बादल ने सवाल खड़े किए कि इन तमाम चीजों को लेकर ये लगता है कि सरकार इलेक्शन मोड में आ गई है और इसीलिए सरकार इन तमाम मसलों को टाल रही है। मगर कहीं ना कहीं आज की जो बैठक थी वो उस मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण थी जिसको लेकर ये लंबे समय से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड की सरकार के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी। लगातार फाइनेंस मिनिस्टर ये मांग कर रहे थे कि जो लाइसेंस फी है, जो लीकर को लेकर लाइसेंस फी दी जाती है, उस लाइसेंस फी को टैक्स के रूप में कंसीडर किया जाए, लाइसेंस फी के रूप में ना देखा जाए, क्योंकि जीएसटी में इस तरह का प्रावधान था कि जो भी लाइसेंस फीस होंगी उन पर जीएसटी लगेगा और उसी के तहत उस पर 18% जीएसटी लगता था, जिसको लेकर पेट के द्वारा ये कहा गया कि ये जो लाइसेंस फी है ये टैक्स है जिसको लाइसेंस फी का सिर्फ नाम दिया गया है, लिहाजा इसको टैक्स के रूप में देखा जाना चाहिए और टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगाना कहीं ना कहीं गलत है। इसीलिए वित्त मंत्री ने, अरुण जेटली ने माना कि कहीं ना कहीं चीजें वैसे नहीं है और जो स्टेट कह रहे हैं वो ठीक है, इसीलिए किया गया है कि जो लाइसेंस फी है उसको टैक्स के रूप में कंसीडर किया जाएगा, अब वो जीएसटी के दायरे में नहीं रहेगा। जानते जानते आलोक, मैं थोड़े तो सवाल लेना आखिरी कि हरियाणा और पंजाब दे लई जिहड़े उन्हां दे खजाना मंत्री सी कुछ सुगात लैके गए ने जीएसटी दे जिहड़ी बैठक हुई अज। देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि लीकर का जो मसला था और जिस तरीके की चीज हुई है उसको लेकर जो उनकी तरफ से मांग की जा रही थी वो मांग मान ली गई है, लिहाजा कहीं ना कहीं क्योंकि तमाम जो शराब के ठेकेदार थे उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि वो पहले स्टेट को टैक्स दे रहे हैं और उसी पर वो जीएसटी दे रहे हैं 18% जो कि डबल लग रहा है, तो उसको लेकर उनकी शिकायतें थी और ऐसे में जीएसटी के दायरे से बाहर लाइसेंस फी का हो जाना कहीं ना कहीं उन तमाम ठेकेदारों को राहत की बात है और स्टेट की राहत की बात है, क्योंकि बार बार स्टेट के वित्त मंत्री से इस तरह की शिकायत उन वेंडर्स के द्वारा की जा रही थी। इसीलिए ना सिर्फ हरियाणा, पंजाब बल्कि यूपी और उत्तराखंड के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके लिए भी ये जो तमाम चीजें हैं ये राहत वाली है और लाइसेंस फी को ये माना गया है कि अब वो जीएसटी के दायरे से बाहर होगी जो लिकर से संबंधित होगी। फरीदकोट के कोटकपुरा में श्रोमणी अकाली दल ने पोल खोल रैली की, इस रैली की अगुवाई एसएडी प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने की। इस रैली में श्रोमणी अकाली दल के विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया, बीबी जगीर कौर और सिकंदर सिंह मलूका ने भी शिरकत की। कल मानसा से तुम दस दिए कि मानसा विखे भी कल पोल खोल रैली की जाएगी। पंजाब के वख-वख शहरों के श्रोमणी अकाली दल पोल खोल रैली कर रही है। सूबा सरकार, पंजाब सरकार के उत्ते, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के उत्ते तंज कसदी हुई नजर आ रही है। इस रैली दे माध्यम तो श्रोमणी अकाली दल के वर्करां ते उत्थे मौजूद लोगों नू पंजाब सरकार दे कीते हो गए वादियां दे बारे दसदी हुई नजर आउंदी और किहड़े किहड़े वादे हजे तक पूरे नहीं होए उन्हूं लैके पोल खोल रैली दे विच अपना विरोध जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल दे वर्करां वल्लों, श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर लीडरां वल्लों विखाया जांदा।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰ। ਜਿੱਧਰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਹਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਚੋਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੈਕ ਪੇਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ? ਪ੍ਰੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਓਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਇਹ? ਕੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਈ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਚੱਡਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੈਸਟ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਤੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਲੱਗਾ ਡਿਊਟੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੋਡੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਉਹ ਟਰਬਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਭਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬੈਕ ਬੋਨ 'ਤੇ ਉਹ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਕ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਲੱਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਆ, ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ STF ਟੀਮ ਨੇ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਡਬਲੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਆਪਣੀ i20 ਕਾਰ 'ਚ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ STF ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 1 ਕਿਲੋ 750 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ STF ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 400 ਗ੍ਰਾਮ, ਫਿਰ 550 ਗ੍ਰਾਮ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡ ਰਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪੁਗਤਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ
नशे के खिलाफ पुलिस वालों अपनी चैकिंग के दौरान अजिहा कई खबरां सामने आ चुकी हैं कि उन्होंने नशे दियां भारी खेप बरामद होंदियां हन। कार्रवाई करते हुए इन्होंने जानकार के 99,616 जिदे अड अड तरह के टैबलेट ने टीके ने ते एलजोलम वगैरह जेडे कि एन डी पी साइड फाल करते हैं वो रिकवर किए ने ते एक दोषी जोड़ा है गुरनाम सिंह बासी वाह तारा सिंह फड़िया गया ते जिहड़ा ते दूसरा भरा सी रिशपाल सिंह भजन में सफल हो गया वो गिरफ्तारी भी असं कर रहे हैं तो ये फरदर असी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इधर अमृतसर रेलवे स्टेशन से रोजाना ट्रेन च सफर करन वाले यात्रियों ने रोस प्रदर्शन जताया तो रेलवे मुलाजमान के खिलाफ जम के नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अमृतसर रेलवे स्टेशन तो रोजाना सफर करन वाले यात्रियों के कोल पास और टिकट होने के बावजूद उन्होंने परेशान किया जाता है, इसलिए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस रूट की सारी ट्रेनों के जनरल डब्बे वधाए जाने की मांग की है। पश्चिम एक्सप्रेस 12926 अमृतसर से चलती है और जो दादर एक्सप्रेस चलती है, इन सभी में तीन तीन डब्बे एक्स्ट्रा दिए जाएं तब जाके थोड़ा सा मसला हल होगा। यहां से अमृतसर से भव्य रश है, हजारों पैसेंजर जाते हैं नौकरी और कारोबार के लिए और यहां पर ट्रेनें जो चलती हैं सुबह 5 बजे से डेली पैसेंजर जो है यहाँ पर आ जाते हैं। कृपा करके हमें डेली पैसेंजर जो जनरल ट्रेन दी जाए 1 7 बजे 1 8 बजे और जो डीलेक्स ये ट्रेन है या दादर ट्रेन है या अदर ट्रेन है इनमें एक्स्ट्रा डब्बे जनरल कोच के लगाए जाए ये हमारी प्रॉब्लम। इस तरह आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैनू हरकीरत सिंह आलूवाले तो मेरी पूरी टीम को 2000 धन्यवाद, सत श्री अकाल।